आज हस्तिनापुर की प्रजा भी देखेगी कि अर्जुन के समान संसार में और कोई धनुर्धर नहीं है। और ये तुम्हारे समक्ष सिद्ध हो जाएगा। तुम्हें मेरी आज्ञा है, दिखाओ अपनी धनुर्विद्या। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मैंने यहां राजकुमार अर्जुन से धनुर्विद्या में उत्तम प्रदर्शन किया, किंतु यह सत्य नहीं है। इसलिए मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं कि यदि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो मुझे पराजित करके दिखा। देवी कुंती ने संसार इतने वर्षों तक एक रहस्य छिपा रखा था, अपने ज्येष्ठ पुत्र का रहस्य। किंतु आज वही रहस्य कवच कुंडल धारण कर उनके समुख आ गया है। अपने भुला दिए गए पुत्र को देखकर जहां एक माता अपनी ही करुणा में निशब्द हो गई, वहीं कर्ण जैसे समर्थ धनुर्धर को अपना मित्र बनाकर अर्जुन को पराजित करने के लिए दुर्योधन स्वयं से बातें कर रहा है। अर्जुन को भविष्य में अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की पदवी छिनती दिख रही, तो कर्ण की शक्ति और श्रेष्ठता को देखकर पांडव असमंजस में पड़ गए। बस एक दुर्योधन ही है जिसे कर्ण के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन तक पहुंचने का स्पष्ट मार्ग दिख रहा है। दुर्जनों का सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी अधर्म तक गिर जाने का यह दृष्टिकोण प्रत्येक युग में इस महाभारत जैसे युद्ध का कारण बनता है। और इस युग के महाभारत का आरंभ उस दिन नहीं होगा जिस दिन कौरव और पांडव की सेना कुरुक्षेत्र पहुंचेगी, किंतु कर्ण की मात्र यहां उपस्थिति से इस महाभारत का आरंभ आज से ही हो चुका है। लगता है इस युवक को मैंने पहले कहीं देखा है। कहां? तुम्हारा लक्ष्य भेद का अभ्यास अच्छा है, किंतु हैर का भाव है। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए गुरुदेव। मैंने तो इसे अस्वीकार कर दिया था, किंतु लगता है कि सूत पुत्र ने अपने लिए गुरु ढूंढ लिया। किंतु अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने में मैं इसे कोई बाधा बनने नहीं दूंगा। तुम अर्जुन के साथ
प्रतियोगिता करना चाहते हो ना, तो ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, किंतु कोई भी शस्त्र प्रतियोगिता वीरों के परिचय से आरंभ होती है। पुत्र अर्जुन यहां आओ। कुलगुरु आप यहां आइए। कुलगुरु मेरा आपसे निवेदन है कि इन्हें राजकुमार अर्जुन का परिचय दीजिए। वीर, इस समय तुम जिसके सम्मुख प्रतियोगिता के लिए खड़े हो वो है महान भारत वंश के सबसे नई पीढ़ी, जिनकी रगों में कुरुवंश के वीर क्षत्रियों के रक्त हैं, हस्तिनापुर के भूतपूर्व महाराज पांडु और देवी कुंती के। वीरों में वीर और धनुर्विद्या में प्रवीण राजकुमार अर्जुन। वीर, अब तुम अपना परिचय दो। चुप क्यों हो वीर? सारी प्रजा तुम्हारी ओर देख रही है, अपना परिचय दो। परिचय? मेरे पुत्र का परिचय? मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने मुझे 5-5 वरदान दिए, परंतु पता नहीं वो सब सत्य है भी या नहीं, परीक्षण करना चाहिए। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। आंखें खोलो भद्रे। सूर्यदेव, राजकुमारी कुंती, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पुत्र? किंतु सूर्यदेव, मैं केवल ऋषि दुर्वासा के दिए गए वरदान की परीक्षण कर रही थी। मैं अभी अविवाहित कन्या हूँ, मैं पुत्र धारण नहीं कर सकती। राजकुमारी, मैं ऋषि दुर्वासा के मंत्र से बंधा हुआ हूँ, तुमने मेरा आवाहन किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें मेरे समान एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु सूर्यदेव। तथास्तु। मैंने क्या कर दिया पुत्र? मैं इस संसार की सबसे अभागन माँ हूँ, जो चाहते हुए भी तुझे अपने साथ नहीं रख सकती। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मेरा पुत्र, जिसे मैंने जन्म देते ही जल में बहा दिया था, वो जीवित है। इतने वर्षों से मैंने जिस पुत्र की प्रतीक्षा की, वो मेरे सामने खड़ा है। पुत्र, हे गंगा माता, मैंने उसे तुम्हारी शरण में छोड़ा था, तुमने उसे जहां भी पहुंचाया होगा वहां वो सुखी और स्वस्थ होगा। पुत्र, मेरा पुत्र। ये उचित समय नहीं है बुआ। अपनी ममता की पुकार को आपको अनसुना करना होगा। द्वारकाधीश, क्या अनसुना करना है, कृपया हमें भी तो बताइए। एक माँ और उसके पुत्र की बात है गांधार नरेश। एक माता को
अपने पुत्र की चिंता तो होगी ना? संभालिए अपने आप को। देवी कुंती ने तो अपने पुत्रों की सफलता के लिए 3 दिन से निर्जला व्रत भी रखा है। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ बहन कुंती, किंतु एक राजमाता को अपनी भावनाओं के प्रति कठोर होना पड़ता है। धीर धरो बहन, यहाँ आओ मेरे पास बैठो। तुम्हारी चुप्पी का क्या अर्थ है युवक? कहो कौन हो तुम? मैं पितामह भीष्म के सारथी अतिरथ का पुत्र हूं। अर्थात सूत पुत्र। क्या हुआ युवक? क्या राजकुमार अर्जुन का परिचय पाकर तुम भयभीत हो गए हो? अथवा एक क्षत्रिय से युद्ध करने योग्य नहीं हो तुम? मुझे इस बात की कोई लज्जा नहीं कि मेरी जाति क्या है, क्योंकि जाति और कुल की योग्यता का भ्रम वो फैलाते हैं जो स्वयं योग्य नहीं होते। मेरी जाति मेरी वीरता है, मेरे भुजबल है, मेरे ये तीर और धनुष है मेरी जाति। तुमने अब भी अपना परिचय नहीं दिया युवक। मैं अधिरथ नंदन और देवी राधा का पुत्र कर्ण हूं। और मुझे गर्व है कि मेरे पिता एक सारथी है। मुझे गर्व है एक सूत पुत्र होने पर। सूत पुत्र? सुन रहे हो प्रजा क्या कह रही है? ये केवल प्रजा के बोल ही नहीं है अपितु ये यहाँ की परंपरा है, महाराज मनु का विधान है कि एक क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ ही लड़ सकता है। ये कैसा विधान है जहां जाति के नाम पर एक वीर को अपनी वीरता सिद्ध करने के लिए अवसर भी नहीं दिया जाता? सूत पुत्र, यदि अर्जुन से युद्ध किए बिना तुम इतने ही अधीर हो रहे हो तो जाओ, जाकर पहले कहीं का राजा बनकर दिखाओ। क्योंकि यही विधान है कि एक क्षत्रिय के साथ केवल एक क्षत्रिय ही लड़ सकता है अथवा कोई राजा। जब कोई क्षत्रिय मुझसे युद्ध ही नहीं करेगा तो उसे पराजित कर मैं राज्य किस प्रकार अर्जित करूंगा? अरे ओ कर्ण, जब तुम समझ ही गए हो तो अब तक वहां खड़े क्यों हो? वीरता का भ्रम त्यागो और जाकर किसी राजा की सेवा करो। हो सकता है कि तुम्हारी सेवा से वह प्रसन्न होकर तुम्हें कोई राज्य दे दे। सबके सम्मुख स्वयं को और लज्जित करने का कोई लाभ नहीं है कर्ण। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले ही जाओ। ठहरो मित्र, yeah
वीर का उपहास करना तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता, जिसकी वीरता की तेज स्वयं सूर्य के समान हो। कुमार दुर्योधन, भीम ने कुछ भी अनुचित नहीं कहा। बिना राज्य के कर्ण को अर्जुन से युद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव, कर्ण की वीरता, उसकी योग्यता और प्रतिभा को यहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाणों के सामने अर्जुन के तीरों की शक्ति भी धूमिल पड़ गई थी, किंतु यदि एक राज्य के बिना एक वीर को उसकी वीरता दिखाने का अधिकार नहीं मिल सकता, तो मित्र कर्ण को मैं देता हूं। राज्य। इस समय हमारे राज्य अंग प्रदेश का कोई राजा नहीं है। यदि पितामह और महाराज की अनुमति हो तो मैं अपने मित्र कर्ण को अंग प्रदेश का राजा नियुक्त करना चाहता हूं। पितामह, पिताश्री, क्या इस शुभ कार्य में मुझे आपकी अनुमति है? लगता है आज संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुधर को चुनौती मिलकर ही रहेगी। इस विषय पे आपका क्या मत है ताश्री? राजधर्म के अनुसार दुर्योधन का जो अनुरोध है वो उचित है? महाराज, इस विषय में वासुदेव कृष्ण ही सर्वोचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। बोलिए माधव, क्या सूत पुत्र कर्ण का अंग देश का राजा बनाया जाना उचित है? पितामह, कर्ण जैसे योद्धा को पाकर अंग प्रदेश धन्य हो जाएगा। और पितामह, कर्ण ने सिद्ध कर दिया है कि वह किसी राजपुरुष श्रेष्ठता में कम नहीं है। महाराज, मैं वासुदेव कृष्ण से पूर्ण रूप से सहमत हूं। अब आप दुर्योधन को अपना निर्णय सुना सकते हैं। आज्ञा कीजिए पिताश्री। क्या एक वीर को उसकी वीरता का सम्मान नहीं मिलना चाहिए? पुत्र, कर्ण जैसे शूरवीर को अपनाकर हस्तिनापुर स्वयं को सम्मानित करेगा। हम कर्ण को अंग देश का राजा नियुक्त करते हैं। आज तक सभी राज्य पुरुषों ने मेरा अपमान किया है। तुम प्रथम व्यक्ति हो जिसने मुझे मान दिया है। एक सूत पुत्र को मित्र कह के बुलाया है। क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि तुमने इसे अर्जित किया है मित्र। योग्यता को उसका मान मिलना ही चाहिए। कुलगुरु मित्र कर्ण के राज तिलक की तैयारी कीजिए।
आज कर्ण को उसकी योग्यता का मान मिला, किंतु वह ये नहीं समझ पाया कि इसके पीछे दुर्योधन का स्वार्थ छिपा है। उसने कर्ण अंग देश का राजा बनाकर उसकी शक्तियों को अपना हथियार बना लिया है, और अब धर्म का एक योद्धा अधर्म के लिए युद्ध करे, और जब अधर्म ऐसा करने में सफल हो जाता तो उसी क्षण महाभारत जैसे महायुद्ध की नींव पड़ जाती है।